इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड ऑफलाइन बढ़ेगी कैलकुलेशन फास्ट होगा इसके अलावा कोई भी न्यूज चीज न्यू तरह का कंसेप्ट कुछ भी मत करो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वोबलरीज होती है ये प्रीवियस क्वेश्चन की अलग अलग एग्जाम्स की सब मिला के कंबाइंड वोकेब्लरी होती है क्योंकि तो सीपीओ में कॉम्पिहेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है अब इतना आप सिक्स डेज तक करोगे ना आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता इट कोई नहीं रोक सकता तो आपको करना क्या है कि सिक्स मंथस का करंट अफेयर अब जहां से भी कर रहे हो वहां से करो अब चेंज मत करना देखिए सबसे पहले तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसी के क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में भी आ

हेलो एवरीवन जैसा कि आप लोगों को पता है कि एस एस सी सीपीओ ट्वेंटी के एग्जाम्स होने वाले हैं तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि आप लोगों के पास अभी जो 60 डेज है उसमें आपको डे वाइज स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए क्योंकि होता क्या जब हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम रहता है आठ नौ महीने रहते हैं तब तो हमें समझ में आता है की अभी क्या करना है उस टाइम सिलेबस कम्पलीट करना होता है और बहुत चीजें लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है हम लोगों कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी की इस दो महीने को आप किस तरह से बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेके आओ चाहे सीपीओ का एग्जाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें आपको लास्ट लास्ट टाइम पर यही सब कुछ करना होता है अगर आप लोगों को पता है कि सीपीओ क्या है इस, इसकी नोटिफिकेशन कब आने वाली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्जाम पैटर्न क्या है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके सीधे स्ट्रेटेजी में जा सकते हो और जिनको नहीं पता है जो पहली बार सीपीओ के बारे में जान रहे हैं वो अभी थोड़ी देर तक वीडियो में बने रहे तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस एस सीपीयू है क्या तो ये एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपका सब इंस्पेक्टर यानी कि SI एसआई में सिलेक्शन होता है कहां पर एसआई SI में सिलेक्शन होता है तो दिल्ली पुलिस में सीआईएसएफ बी एस एफ सीआरपीएफ आई टी बीपीएफ या एस एस बी इन सब में आप सब इंस्पेक्टर बनते हो तो आप समझ सकते हो कि एक रेस्पेक्टेड जॉब है सब इंस्पेक्टर की जॉब एक अच्छी पावरफुल जॉब होती है पुलिस की जॉब होती है तो आप इसी एग्जाम के थ्रू इन सब में भर्ती पा सकते हो अब सीपीओ का फुल फॉर्म सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है आप समझ रहे हो कि इन सब की भर्ती इसी के थ्रू होती है इसलिए एक पुलिस बड़ा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम जानना जो आस्पिडेंट को होता है कि भाई हमें सैलरी कितनी मिलेगी तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो होती है वो अराउंड सेवेंटी टू होती है और इन हैंड मतलब सब कुछ टैक्स वैक्स कट करके सब कुछ कट के आपको फोर्टी सिक्स थाउजेंड के अराउंड इन हैंड सैलरी मिलती है लेकिन ये डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन क्या है जैसे कि अगर आई टी बी पी में हो या किसी रिस्क की जगह पर हो तो वहां पर आपको थोड़ी अलाउंसेस मिलते हैं जो रिस्क अलाउेंसेज होते हैं अब हम अगर बात करें कि इस एग्जाम को देने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए तो आप ग्रेजुएट अगर हो चाहे आप किसी भी फील्ड से हो आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी सब्जेक्ट से करा हो कितने भी मार्क्स हो चालीस परसेंट पचास परसेंट डजेंट मैटर आपसे ग्रेजुएट होने चाहिए इसके बाद हम बात करते हैं एज क्या होनी चाहिए तो ये 20 से 25 ईयर तक ही आप एग्जाम को दे सकते हो इसके बाद आप नहीं दे सकते हो ये यू के लिए अगर आप रिलैक्सेशन की बात करो तो एस सी को पांच साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है यानी कि SCST वाले 30 साल तक दे सकते हैं ओबीसी को तीन साल का रिलैक्सेशन मिलता है यानी कि वो अट्ठाईस साल तक दे सकते हैं और एक्स सर्विस को भी तीन साल का रिलैक्सेशन मिलता है इसके बाद बात करें कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा मतलब एग्जाम को आप कब अप्लाई कर सकते हो तो वैसे तो इसकी डेट 15 फरवरी को नोटिफाई करी थी एसएससी ने लेकिन ये अभी डिले हो रहा है इसके बाद एग्जाम कब होने वाले तो अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं निकला है लेकिन एग्जाम बट कैलेंडर में टाइम है, है।, तो है।, तो really है तो इस टाइम पर अगर कोई कहेगा कि हम क्या स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं तसल्ली नहीं दूंगी आप नहीं कर सकते क्योंकि अच्छी खासी प्रिपरेशन चाहिए होती है एकेडमिकली भी प्लस इसमें फिजिक टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसके लिए भी अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके बाद अगर हम बात करें वर्क प्रोफाइल की तो आपने देख ही लिया कि इसमें सब इंस्पेक्टर बनते हैं इतने सारी जगहों पर तो पुलिस की जॉब है आपको पता है कि पुलिस सुनते ही आपके घर वाले या आसपास के लोग थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं कि पुलिस की रिस्पेक्ट तो क्या ही बोलूं रिस्पेक्ट भी होती है और थोड़ा डर का माहौल भी होता है सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको वर्दी मिलती है और वर्दी का अपना ही रिस्पेक्ट होता है पुलिस की वर्दी की तो बहुत रिस्पेक्ट होती है और एक अच्छी खासी पावर होती है रिस्की काम है आपको कभी कभी ऐसे लोकेशन पे भी पोस्टिंग हो सकती है जो कि आपके लिए रिस्की हो जहाँ पे आपको बहुत सारी मुसीबतों से टैकल करना हो तो इस चीज के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा ये बाबू काइंड ऑफ जॉब नहीं आपको बहुत ज्यादा दिमाग

होता है क्योंकि तो आप जानते पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद टीयर टू होता है उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, हर आते है Mass, और इंग्लिश सब हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं है. हर एक क्वेश्चन जो है वो एक नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग वन फोर्थ की होती है यानी कि फाइव मार्क्स आपके एक क्वेश्चन गलत होने पर कट जाते हैं इसके लिए आपको टोटल दो घंटे का टाइम मिलता है अगर इसमें निश्चित होना चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो हो जाएगा तो आप मॉक में एटलीस्ट 160 से 170 का टारगेट रखिएगा तो ही आपका निकल पाएगा मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना परसेंटाइल देखिए अगर आपके परसेंटाइल 95 परसेंटाइल तक आ जाते हैं एग्जाम तक तो समझ लीजिए आपका निश्चिंत हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा कोई नहीं रोक सकता इसके बाद अगर हम बात करें कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है तो तो इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वैसे लॉन्ग जंप रनिंग शॉर्टपुट आईस आई टेस्ट हाइट टैटू देखना वो चेकिंग होती है इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अगर आपको डिटेल में जानना है इसकी फिजिकल टेस्ट के बारे में तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो इसमें मैंने डिटेल में ये सारी चीजों के बारे में बताया है इसके बाद अगर हम बात करें कि टीयर टू में क्या होता है तो ये एक लौता ऐसा एग्जाम है जिसमें में सिर्फ और सिर्फ और इंग्लिश पूछी जाती है यानी कि आप समझ रहे हो कि इंग्लिश जिनका अच्छा है उसके लिए एग्जाम एग्जाम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो इस को दे सकते हैं तो इंग्लिश कैसे पूछी जाती है तो टू हंड्रेड आते हैं हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है यानी कि टोटल टू मार्क्स की एग्जाम होता है और इसके लिए भी आपको दो घंटे मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग सेम होती है वन फोर्थ ही एक क्वेश्चन गलत अगर आपका होगा तो माइनस हो जाएगा टू फाइव मार्क्स पर क्वेश्चन ठीक है इसके बाद मेडिकल टेस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप सबके लिए बना दूंगी कि मेडिकल टेस्ट कैसे होता है इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसी 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 की तो तो आप स्क्रीन पर पर देख पा रहे हो इसकी तो इस के लिए कितने लोग ईयर फाइट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि सीएचएसएल हो गया या सीजीएल होता है जिसमें कि बीस तीस लाख बच्चे बैठते हैं लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आठ से छह लाख लोग बैठते हैं थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कम है इसका रीजन ये भी है कि इसमें इंग्लिश बहुत बड़ा वेटेज रखता है और बहुत से लोग इंग्लिश में होते तो वो इस एग्जाम को नहीं देते हैं अगर आप बात करें कि अगर आप करेंगे तो आप तो आप तो आप आपको, तो आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आप सीजीएल के साथ आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है बहुत बार अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आप एग्जाम को ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसका लगभग लगभग क्वेश्चन लेवल सेम है इनफेक्ट करूंगी सीजीएल से थोड़ा इजी ही इसका क्वेश्चन लेवल है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो इन दैट केस अब हम बात करते हैं कि हमें इस दो महीने में इस एग्जाम के में क्या करना है देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं दो महीने में क्या करना है इसका मतलब है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बहुत बार रिवीजन कर लिया है अब आपको टाइम है कि हम दो महीने में इस पूरे रिविजन को कंबाइन कैसे कर सके ताकि एग्जाम के टाइम पे जितना आपने इतने टाइम से पढ़ा है वो आप जल्द मैक्म से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ अगर आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए तो एक साल पढ़ के फायदा क्या है तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और मैं पूरी तरह से बताऊंगी रिविजन कहा से कैसे करना है और को भी आपको, पढ़ना है। आपको सब कुछ अभी इस नहीं, कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं का प्रैक्टिस से है। क्योंकि आपका एटी तो प्रीवियस क्वेश्चन ही छापा हुआ रहता है देखिए सबसे पहले तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक या फिर राकेश यादव की बुक दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए डेली आपको टारगेट बनाना है कि आपको डेढ़ सौ क्वेश्चन सोल्व करने हैं विद इन टू आवर्स क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी अच्छी खासी होगी रिविजन अभी तक हो गया होगा तो आप दो घंटे में इतना कर लोगे इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड ऑफलाइन बढ़ेगी कैलकुलेशन फास्ट होगा और इससे आप मॉक टेस्ट में भी अच्छा कर पाओगे इसके साथ साथ आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट तीन साल पहले पहले तक का लगाइए यानी कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओ इसमें से आप क्या कर सकते हो कि डेली दो सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगा सकते हो दो सेट का मतलब कितना हो गया पचास पचास

नहीं करना है इसके बाद अगर हम बात करें कि इंग्लिश में हम अभी क्या करेंगे तो इंग्लिश में आपको वॉल्यूम वॉल्यूम टू आपने ऑलरेडी कर रखा होगा ग्रामर वगैरह रूल्स वगैरह सब कुछ कर लिया होगा प्रैक्टिस कर ली होगी अब आपको दो बुक्स में से ग्रामर के रूल्स भी रिवाइज करने हैं डेली एटलीस्ट चैप्टर्स प्लस वॉल्यूम टू में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे तो आप कम से कम तीन से चार प्रैक्टिस सेट्स आप इसमें से डेली लगा लीजिए तो इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी ग्रामर की इसके बाद अगर हम बात करें वो वोकेबलरी आप अभी कहां से पढ़ोगे तो आपको नीतू मैम में जो वोकेबलरी दिया गया आप पढ़ चुके होंगे अभी आपको उसको रिवाइज करना है थ्री पेजेस डेली आपको इसको रिवाइज करना है इसके बाद एम बी पब्लिकेशन के लास्ट में हर सेट के लास्ट में वोकेबलरी दी रहती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज होती हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग अलग एग्जाम्स की सब मिलाकर कम्बाइंड वोकेब्लरी होती है तो आप इसको जरूर से जरूर कर ले क्योंकि इसी से बहुत बार क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इनको करिए अगर आपने नहीं कर रखा है तो भी मैं कहूंगी कि इसको करें। क्योंकि आपको सेवेंटी परसेंट तो वही मिल जाएंगे जो नीतू मैम में या फिर अदर आपने जहां से भी पढ़ा होगा वो मिलेगा बाकी आपको ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा तो इसमें कुछ भी बेकार नहीं होता है इसमें बहुत ही काम की वोकेबलरी दी रहती है तो आप इसको कर लीजिए इसके बाद कोई स्पेसिफिक बुक अगर आप वोकैबलरी के लिए पढ़ते हो जैसे कि ब्लैक बुक हो गई अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो ही आप इसको रिवाइज करें इसमें से भी आप कम से कम तीन पेजेस डेली करके मतलब बोथ साइड, तीन पेजेस बोथ साइड, तो ये आपका कंप्लीट रिविजन होगा डेली वोकैबलरी का अब आप बोलोगे मैं इतना कैसे कर पाऊंगा भैया अगर आपने पढ़ रखा है रिविजन कर रखा है ना तो ये आपको करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये मैक्सिमम आपको लगेगा फोर्टी फाइव मिनट्स इतने में आप कर लोगे इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है जैसे कि ग्रामर हो गया ग्रामर का तो आपने देख लिया डेली प्रैक्टिस होती रहेगी आपको वोकेब्लरी से डेली प्रैक्टिस होती रहेगी इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए एम बुक उठाइए क्योंकि इसमें अलग अलग एग्जाम्स के पूरे सेट दिए हुए हैं इससे क्या होगा कि आप बहुत तरह के एग्जाम्स की

प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इतना करने के बाद आप एटलीस्ट दो डेली सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगाओ मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी वन का उठाओ उसके टीयर वन का दो सेट लगाओ डेली के डेली यानी कि आपका हंड्रेड क्वेश्चन ये प्रैक्टिस हो जाएगा इसका मतलब समझ रहे हो आप ग्रामर भी कर रहे हो आप वो कैबलरी भी प्रैक्टिस कर रहे हो डेली आप कॉम्प्रिहेंशन भी लगा रहे हो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हो अब बचा क्या अब इतना आप सिक्सटी डेज तक करोगे ना आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता इसके बाद अगर हम जीके जीएस की बात करें तो आपको करना क्या है पीडीएफ से, 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 से पढ़ा है बुक से पढ़ा है जो भी पढ़ा है आप वहां पर रिविजन करना शुरू कर दो डेली आपको रिवाइज करना है जितना आपसे हो सके इसके बाद आपने जो भी इंपॉर्टेंट जीएस के नोट्स बनाए होंगे आप उसको डेली रिवाइज करना शुरू कर दो उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2021 के जो है आपको टू सेट्स कम टू सेट्स करने यानी कि हंड्रेड क्वेश्चन डेली यहां से करने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपने अगर नोट्स बनाए हुआ उसको रिविजन किया हुआ है सब कुछ किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आप लगा पाओगे इसमें से आप नहीं लगा पाओगे तो करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तो उसको आप छोड़ दो लेकिन जो स्टैटिक जीके का पार्ट है या बायोलॉजी जियोग्रफी हिस्ट्री इस तरह के क्वेश्चन है वो आप यहाँ से करने चाहिए उनको भी आप याद कर लो हो सकता है कि वही क्वेश्चन रिपीट

करने के बाद क्विज लगाने के बाद ये सब बाद, अगर आप बहुत जरूरी कि आप प्रैक्टिस करो तो आप किरण जीएस की ये वाली बुक से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि इसमें सारे ना जैसे आपने एक से दो पेज अफेयर्स कर लिया इसमें आप दो से तीन पेज आप डेली हो या हंड्रेड क्वेश्चन लगा रहे हो इसमें आप पांच क्वीज दे दे रहे हो इसमें से आप तीन चार टॉपिक क्योंकि टॉपिक वाइज होता है तो तीन चार टॉपिक अगर आप डेली हो तो समझ आपका जीएस बहुत ही भयंकर हो जाएगा और देखो कि आप बहुत बार रिपीट कर रहे हो तो वो आपको रिविजन याद रखने की। तो में कैसे करेंगे? तो के, लिए, कोई बुक में नहीं करूंगी। के लिए आप उठाओ प्रीवियस थ्री भी आप डेली दो सेट करना शुरू करो दो सेट का मतलब हो गया हंड्रेड क्वेश्चन से आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से वही टॉपिक्स देखने जो आपको टफ लगे लगा की यार ये मेरे से बार बार नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब से देख लो उसके बाद आप करना शुरू

अभी एक्स्ट्रा आपने देखा होगा कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं बताया जो आपको न्यू करने की जरूरत है इतना ही आपने पढ़ा होगा इतना ही आपको डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहना है अब हम बा, आ, बात करते हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है मॉक टेस्ट अगर आप सब कुछ पढ़ लो ना जितना मैंने बताया अगर आपने मॉक नहीं लगाया समझो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता बिकॉज मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में एग्जाम फियर को हैंडल करने में प्रेशर को हैंडल करने में हेल्प करती है अगर आपकी कोई मॉक स्ट्रेटेजी नहीं है आप तो आप बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते क्योंकि अभी ऐसा टाइम है जब कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी हाई सब बहुत ब्रिलियंट लोग हैं तो आप जरा भी हल्के में मत लें इस चीज को आप ध्यान से देखिए कि मॉक कैसे लगाना है उसके एनालिसिस कैसे करनी अगर आपने अभी तक भी मॉक नहीं लगाया ना और इसके लिए और मॉक के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन बनाता है इसका इंटरफेस अच्छा होता है एरर बहुत कम है आपको इसकी एनालिसिस बहुत अच्छी है मतलब ये आपको वीक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने कितना टाइम लगाया कितना टाइम लगना चाहिए था टॉपर को कितना टाइम लगा सब कुछ आपको बताता है जिससे कि आपकी आपका टाइम एनालिसिस में बहुत ज्यादा बच जाता है सो so, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मॉक लगाना कैसे अगर आपने अभी तक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया ना तो अभी से शुरू करो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ अगर आपको सिक्सटी डेज में इम्प्रूवमेंट नहीं मिली तो मुझे कॉमेंट बताना बिकॉज ये ऐसी चीज है जो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद अपने लिए बनाई थी तो वो मैं आपको यहां पे शेयर करती हूँ देखिए सबसे पहली बात तो मॉक के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एग्जाम टाइम पर दो मतलब कोशिश करो एग्जाम जिस टाइम पर होता है दिन के टाइम पे होता है दोपहर के टाइम पे होता है जिस भी टाइम पे होता है उस टाइम बैठ करके दो दूसरी चीज़ जो मॉक के लिए आपको याद रखनी चाहिए वो है कि आपकी एक स्ट्रैटी होनी चाहिए यानी कि बस बैठ गए और जो क्वेश्चन सामने आया वो बनाने लग गए और फिर एक साथ बनाते जा रहे हैं ये मैंने किया था जब मैंने पहली बार सी का एग्जाम दिया था टीयर वन में कोई स्ट्रैटी नहीं थी बस मुंह उठा करके बैठ गई और एग्जाम देने लग गई क्या करना है किसमें कितना टाइम लगाना है कुछ पता नहीं था लेकिन यह गलती आपको नहीं करनी है देखिए मेरी जो स्ट्रेटी थी मेरा था कि पहले रीजनिंग करना है फिर मैथ्स करना है फिर इंग्लिश फिर जीएस ठीक है आपको जो सुटेबल लगता है आप उस हिसाब से बना लो और जो बनाओ उसी को आपको रेगुलरली मॉक्स में फॉलो करना है और उसी को एग्जाम में जाके करना है यानी कि आप एग्जाम में जाकर के चेंज कर दो तो ये चीज आप अपने लिए सेट कर लो अब देखिए मॉक देने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आपको करना है इजी क्वेश्चन ठीक है जो मैक्सिमम होते हैं मतलब समझ लीजिए कि 40 परसेंट तो आपका इजी क्वेश्चन ही होता है आपका 15 परसेंट लगभग टफ क्वेश्चन होता है और जो 35 परसेंट है वो आपका मॉडरेट क्वेश्चन होता है तो आप समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले जब इजी क्वेश्चन कर लोगे ना फर्स्ट राउंड में तो आपका फोर्टी तो टेंशन खत्म हो जाएगा और और जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आप रिलेक्सड होते हो आपका माइंड काम कर रहा होता है रिलैक्स रहते हो और स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका माइंड उतना काम भी नहीं कर रहा होता कि आप टफ तो और बना सको तो इजी क्वेश्चन जो आपसे बनने ही बनने हैं वो आपको बनाने हैं पहले तो इसमें आपको टारगेट क्या रखना है कि एक घंटा मैं दूंगी क्या दूंगा और सारे इजी क्वेश्चन में सॉल्व कर लूंगा उसके बाद आपको करना है मॉडरेट क्वेश्चन सेकेंड राउंड में ये आपको समझ लो 40 मिनट्स का टारगेट लेके चलना है कि 40 मिनट्स में मेरे मॉडरेट क्वेश्चन सारे हो जाएंगे उसके बाद टफ क्वेश्चन जो है इसके लिए आप बिल्कुल लास्ट में करो जब ये दोनों हो गए यानी कि आपके सेवेंटी क्वेश्चन तो हो ही गए परसेंटेज मिस्टेक हो गया था ठीक है अब हम बात करते हैं तो टफ क्वेश्चन आपके पास जो पंद्रह परसेंट ही है यानी कि थर्ड राउंड में आपको टारगेट लेके चलना है कि पंद्रह मिनट आपको इसको देने क्योंकि मैक्सम क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो स्किप करने वाले

क्वेश्चन आपने बहुत बार कर रहे हैं प्लस कैलकुलेशन देख के भी आपको लग रहा है कि इसको किया जा सकता है मतलब मैंने ऑलरेडी किया है कैलकुलेशन से भी किया जा सकता है तो ये होते हैं इजी क्वेश्चन थोड़ा सा ही दिमाग ला कर लूंगा और आप जैसे बनाने लगोगे तो वो बनने भी लगेगा वो बोलते हैं उसको इजी क्वेश्चन ठीक है तो आपने मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आप गए आपको लगा हाँ बन जाएगा तो इसको कर दो आप सेकंड क्वेश्चन पे गए आपको लगा हाँ, इजी है बनाया हुआ है कैलकुलेशन भी ठीक है बन जाएगा बना दो अगर मान लो जी क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में गए आपको लगा इजी है कैलकुलेशन भी इजी है लेकिन आप बनाने गए आपसे नहीं बना तो इस पे आपको क्या करना है इस पे आपको मार्क फॉर रिव्यू करके रखना है मार्क फॉर रिव्यू इसे होता क्या है ठीक है इसमें और इसमें तो आपका ग्रीन कलर का बन जाएगा कि हाँ ये आपने अटेम्प्ट कर लिया है लेकिन थर्ड वाले में क्या होगा मार्क फॉर रिव्यू जब करते हैं तो ये वॉलेट कलर का हो जाता है वॉलेट कलर का हो जाता है अब आपको मतलब आप जब पूरा कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको पता रहेगा कि जो वॉलेट वॉलेट हो रखा है उसको आपने अटेम्प्ट किया है लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ के वजह से आपने स्किप कर रखा है ठीक है तो इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है क्या फायदा होता है कि जब आप कंप्लीट बना लोगे ना तो आप सीधे मार्क फॉर रिव्यू वाले में आओगे ठीक है अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा पहले हो गया ये अटेम्प्ट ये अटेम्प्ट मार्क फॉर रिव्यू अब चौथे वाले में गए ये आपको लग गया टफ क्वेश्चन ना कभी देखा है दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है तो इसको करना है सीधे स्किप स्किप और मार्क फॉर रिव्यू में अंतर होता है स्किप में आपका व्हाइट कलर आता है ठीक है फॉर रिव्यू में वॉयलेट कलर आता है अब मान लीजिए आप फिफ्थ नंबर पे गए ये आपको लग रहा है कि यार कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है लेकिन इजी है बना लूंगा तो भी इसको मार्क फॉर रिव्यू कर कर दो क्योंकि स्किप नहीं रहे हो ये आपसे बनेगा लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में ठीक है यानी कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ये टफ नहीं है उसके बाद आप सिक्स में गए आपको इजी मिला सेवेंथ में गए आपको इजी मिला एथ में गए इजी मिला नाइन्थ में गए आपको लग रहा है कि भाई ये तो टफ है ये मुझसे नहीं बनेगा मैंने कभी देखा नहीं कैलकुलेशन इतना हार्ड है कि शायद मैं नहीं बनाऊँ तो भी चलेगा तो इसको आपको करना है स्किप अब देखिए होगा क्या जब आप यहाँ तक बना लोगे तो इजी वाले तो सारे हो गए जो बन गए सो बन गए यहाँ तक आपको कोशिश करना एक घंटे में आप यहाँ तक आ जाओ इससे होगा क्या कि एक घंटे में जो आपका इजी वाला टारगेट है ना वो कंप्लीट हो गया ठीक है इस बीच कुछ कुछ हो गए जो मॉडरेट भी आपसे बन गए होंगे अब जब एक घंटे में ये हो गया अब आपको स्किप वाले में नहीं जाना है अब आपको मार्क फॉर रिव्यू वाले में जाना है अब मार्क फॉर रिव्यू वाले में आप सीधे यहां तक बनाने के बाद मार्क फॉर रिव्यू इसको खोलो अब होगा क्या कि ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हो तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा ऑलरेडी एक बार अटेम्प्ट कर चुके हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कर क्या रहे थे हम ठीक है तो अब आप क्या हो गए थोड़ा और अटेम्प्ट अटेंटिव होकर के इसको सोचोगे Easy वाला तो आपका complete हो गया, तो आपका आपके दिमाग में headache भी नहीं रहेगा। अब अब आप इसको बना लिए, मान लीजिए आपने किया और ये बन गया। अब आपको जाना है दूसरे मार्क फॉर रिव्यू स्किप्ड वाले में नहीं जाना है स्किप्ड वाले सारे टफ क्वेश्चन है अब मार्क फॉर रिव्यू के होंगे वो आप कर लोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इजी तो हो गया था मॉडरेट वाला भी आपने देख लिया मॉडरेट में जितना बनना था वो आपका बन गया अब आपको जाना है वाइट वाले मतलब जो आपने स्किप किया है अब इसमें से भाई चार पांच होंगे जो बनना होगा वो बनेगा नहीं तो छूट जाएगा इससे क्या हुआ कि आपने फालतू का टाइम वेस्ट नहीं किया आपको इजी बनाना था वो बन गया मॉडरेट बनाना था वो बन गया टफ छूटा तो छूटा ठीक है ये होती है स्ट्रैटेजी जब आप मॉक दो तो आई होप आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा मैंने और आपको समझ में आया होगा अगर समझ नहीं आया तो वापस से वीडियो को पीछे करें इस वाले स्टेट को बहुत अच्छे से समझे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है जो शायद कोई नहीं बताता ठीक है तो आपको डेली अब एक फुल मॉक तो देना ही है दो घंटे बैठ करके और सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है चाहे वो इंग्लिश हो मैथ्स हो वैवर जो भी हो सेम स्ट्रैटेजी सब में काम करेगी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होती है इसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए इंग्लिश

बाद ही करनी ये नहीं कि एक दो दिन के बाद करोगे आप भूल जाओगे कि आप सोच क्या रहे थे याद रहेगा जब आप करोगे तो ठीक है उसके बाद आपको एक कॉपी बनानी ये नहीं कि भाई फिल्म की तरह देखा फिल्म की तरह सब कुछ खत्म कर दिया जितने आप रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो वो आपको लिखने लिखने से होगा क्या क्वेश्चन आपको याद रहेगा उसका सॉल्यूशन भी आपको याद रहेगा अब अगर वो नेक्स्ट किसी टेस्ट में आएगा ना तो आप उस क्वेश्चन को बना पाओगे वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा और इस वाले को भी आपको डेली बेसिस पर पंद्रह बीस मिनट रिवाइज करना है नॉट इन जस्ट मैथ सब में मतलब इंग्लिश का भी जीएस का भी लिख लो जो रेलिवेंट हो इनरेलीवेंट हो जो लगे, हो जो लगे हो भाई आ ही नहीं सकता उसको आप मत लिखो ठीक है अब देखिए आपको एनालिसिस करनी कैसे है तो आपको सेपरेट करना है मिस्टेक्स को ठीक है देखिए एक तो होता है कि आपने मिस्टेक कर दिया या स्किप कर दिया अब आपको देखना है कि क्यों मिस्टेक कर दिया या क्यों स्किप कर दिया तो मिस्टेक में या तो आप सिले मिस्टेक हुआ होगा यानी कि अंधे वाली गलती मिस्टेक बहुत तरह की होती है या तो आपका आंसर आया है दो तो आपने लगा दिया ऑप्शन चार आप स्क्वायर रूट देखना भूल गए या फिर पूछा डायमीटर है आपने रेडियस टिक लगा दिया मतलब समझ रहे हो आपसे बन गया है लेकिन अंधे वाली गलती आपने कर दी या तो आप वैसे कर रहे हो इसका मतलब है कि आपको अटेंटिव होना है अगले बार से जो जो सिले मिस्टेक कर रहे हो सिले मिस्टेक का ना कुछ कुछ पैटर्न होता है जैसे मैंने बताया ना ऑप्शन या तो गलत मार्क कर देते हो या कुछ देखना भूल जाते हो या रेडियस वाली गलती होती है या मान लो पूरे क्वेश्चन में मिल्क वाटर हो और लास्ट में वाटर मिल्क पूछा हो और आपने मिल्क वाटर वाला आंसर लगा दिया तो सिले मिस्टेक का ना एक पैटर्न होता है आप सेम तरह के सिले मिस्टेक बार बार करते हो तो वो आप लिख लो कि किस तरह के सिले मिस्टेक कर रहे हो ताकि

Concept, आप भूल गए इसका मतलब आपको रिविजन की जरूरत है टफ क्वेश्चन था फिर भी आप बनाने बना लिए और आपने गलत कर दिया तो यानी कि आपको इस तरह के टफ क्वेश्चन छोड़ने हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट ना हो या आप टुक्का भी सही एक टुक्का लगाने का भी तरीका होता है वो भी आप नहीं किया बस ऐसे ही मार दिया या फिर इनरेलीवेंट क्वेश्चन था और आपने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की और गलत कर दी तो जैसी मिस्टेक है उस हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है आप पहले सेग्रीगेट तो करो कि गलती कहां कर रहे हो ठीक है इस हिसाब से आपको अपनी गलतियों को लिखना है और अपने आप को देखना है उस हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट करनी है जो राइट क्वेश्चन है उनको भी आपको देखना है ये नहीं कि आपने रॉन्ग क्वेश्चन देख ले राइट को छोड़ दिया देखो राइट क्वेश्चन में होता है क्या कि राइट कर दिया लेकिन हो सकता है कभी कभी मेरे को पता ही नहीं था जैसे मान लीजिए किसी सिनोनिम पूछा है और आपने तुक्के से सही कर दिया लेकिन आपको सिनोनिम पता नहीं था तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने नहीं देखा तो वो क्वेश्चन वापस आएगा और वापस आप भूल जाओगे तो राइट क्वेश्चन को भी देखना जरूरी है इसके बाद आपने सही तो कर दिया लेकिन क्या आपने हद से ज्यादा टाइम लगा दिया कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा होता था मैं किसी किसी क्वेश्चन में पांच मिनट भी लगा देती तो वो मेरी बेवकूफी थी मुझे उसको छोड़ देना चाहिए था तो वो भी आप देखो कि राइट कर दिया लेकिन हद से ज्यादा टाइम लगा दिया तो वो आपकी गलती ही है ठीक है तो जिस हिसाब से आपको मिस्टेक मिलेंगे उस हिसाब से आपको इम्प्रूव करना है आप देखो कि क्या गलती हो रही है उस हिसाब से आप इम्प्रूव करो इसके बाद क्या है कि सिर्फ यही सब नहीं देखना है क्वेश्चन वेशन को लेके आपको ये भी एनालाइज करना है कि क्या आप एग्जाम के दौरान पैनिक हो रहे थे क्या आप मॉक के दौरान रिलैक्स फील कर रहे

टाइम को मैनेज कर लोगे फिर आप टाइम से भी नहीं डरोगे ठीक है डरोगेटरी फील नहीं करोगे तो रिलैक्स होकर के टेस्ट दोगे और आपको टेस्ट डेली बेसिस पे देना है है उससे होगा क्या कि आपका जो डर है, वो निकल जाएगा सो so, फाइनली मैंने सारी चीजें आपको बता दी बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की और आपको दो महीने बस जितना बताया है उतना ही करना है कोई भी न्यू चीज नहीं करनी है सो एनालाइज करिए अपने आप को और इम्प्रूव अकॉर्डिंगली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो सही लगी काम की लगी तो आप कॉमेंट में जरूर लिखिए आई विल क्रैक एस एसीपी ट्वेंटी फोर सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव के साथ आगे भी तब तक के लिए जय हिंद